हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आ गई अपनी किचन में और मैं बना रही हूँ थाई एग फ्राइड राइस। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अनियंस जो हैं चॉप कर लिए हैं। अनियंस चॉप करने के बाद में मैंने यहाँ पे कुछ बेल पेपर, एक बेल पेपर लिया है रेड वाला, वो भी मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने बहुत सारा धनिया जो है अच्छे से धुल के चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास में थाई रेड चिली है जो कि बहुत ही अच्छी होती है। मैं दिखाती हूँ, इस तरीके की थाई रेड चिली मैंने ली है, ये मैं डालूँगी इसमें। और यहाँ पे मैंने जो है 5 eggs जो है, ये मैंने जंबो एग्स यूज़ किए हैं। ये बहुत अच्छे हैं, इनके ना हैंड फ्रूट वालों के हैं ये, तो आप ज़रूर ट्राई करें ये हैंड फ्रूट के अंडे। तो मैंने ये लिया है। यहाँ मैंने 5 eggs जो है अच्छे से बीट कर लिए हैं। मैंने प्लास्टिक का कंटेनर में इसलिए किया है बीट, ताकि मैं इसको बस ये यूज़ करके तुरंत इसको डिस्पोज कर दूँ, मेरे बर्तन गंदे ना हो। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अजीनोमोटो दिया है, जो कि मैं शायद यूज़ करूँगी, बट बहुत कम यूज़ करेंगे इसको हम। तो अब यहाँ पे मेरा जो पैन है वो हो गया है गरम। पैन में हम डालेंगे तेल। तो तेल जो है, मैं तेल ले लेती हूँ यहाँ पे। आप कोई से भी तेल ले लें, अगर आप ऑलिव यूज़ करना चाहते हैं तो ऑलिव ले लें, अदरवाइज़ योर रेगुलर रिफाइंड विल ऑल्सो डू। तो यहाँ पे आपने ऑयल ले लेना अपने हिसाब से, जितना भी लेना है। तो इसको हम अच्छे से गर्म करेंगे। तो थाई फ्राइड राइस जो बनेगा वो जो है ना, इसको हम अच्छे से हीट कर लेंगे पैन को, ताकि प्रॉपरली जो अनियंस वगैरह हैं कैरामलाइज हो जाएं। तो यहाँ पे अब ये जो है हमारा पैन गर्म हो रहा है। फिर जो मेरी थाई चिली है इसको मैं बारीक बारीक जो है चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास में थाई चिली नहीं है तो आप रेगुलर चिली यूज़ कर लें, बट ये बहुत ही अच्छा जो है ना कलर भी आएगा और फ्लेवर भी अच्छा आएगा इससे। यहाँ पे चिली मैं काट ले रही हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है तो मैं फटाफट करूँगी। ये हो गया है। अब मैं सबसे पहले जो है ना ये चिली डालूँगी और अपने बेल पेपर्स और अनियन जो है ये डालूँगी। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। आप देखेंगे ना जो अनियन हैं ये अच्छे से सॉर्ट ऑफ पिंक एंड ट्रांसल्यूसेंट हो जाएंगे, एंड आपको दिखी जाएगा कि ये हो गया है। एंड देन वी विल पुट द एग। तो अभी क्या करना है, इसको होने देना है। एक्सक्यूज मी, सॉरी, ये अच्छे से भुन रहा है। और यहाँ पे जो मैंने ये 5 eggs को मैंने करके रखा है ना, इसको प्रॉपरली फेंट के रखा है, इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच नमक, छोटा चम्मच लीजिएगा। एंड देन आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर जो है ये पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ब्लैक पेपर पाउडर आप ले लें। और ब्लैक पेपर पाउडर ना कम डालना, क्योंकि आपने ऑलरेडी चिलीज यूज़ करी रहेंगी, तो बहुत ही कम हम यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर डाल लेंगे। क्योंकि जो राइस मैंने बॉईल किया है ना, मैंने उसमें नमक वगैरह नहीं डाला है, तो इसलिए मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और यहाँ पे इसको हम अच्छे से विस्क कर लेंगे एंड गो बैक हियर। और यहाँ पे ये अनियन देखो ऑलमोस्ट थोड़ा सा गोल्डन होने लग गया है ना, तो दिस इज़ द टाइम आई एम गोना पुट अंडा इन इट। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऐसे से कर लूँगी एंड देन इसमें डालेंगे हम अंडा। दिस आउट। और यहाँ पे हम अपना ये जो डब्बा है ना, इसको उठा लेंगे वेरी केयरफुल और ये डालेंगे हम सीधा इसके अंदर लाइक दैट, अच्छे से निकाल के। एंड आई विल डिस्पोज द डब्बा, क्योंकि मुझे ना अंडे के बर्तन में थोड़ा सा रहता है मुझे। तो यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा लगने देना, मतलब थोड़ा सा नीचे से पकने देना, एंड देन वील स्क्रैम्बल इट। अब क्या करूँगी मैं, थोड़ा सा धनिया मैं अभी ले लूँगी एंड धनिया फिर थोड़ा सा बाद में डाल लेंगे। तो अभी थोड़ा सा धनिया हम गोना पुट। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा थाई फ्लेवर दे रहे ना, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं स्प्रिंग अनियंस। लेकिन अभी क्या है ना कि स्प्रिंग अनियंस ना ब्लिंकिट पे आउट ऑफ स्टॉक था और मुझे मिला नहीं, और मेरे पास था भी नहीं स्प्रिंग अनियन। तो मैंने क्या किया, देसी जुगाड़ धनिया जो है उसी को मैंने काम चलाया उससे। अब यहाँ पर जो है ना ये अंडे को मैं आई विल ट्राई टू स्क्रैम्बल इट। इसको मैं स्क्रैम्बल करना शुरू कर दूंगी, अभी थोड़ा लगेगा ये नीचे, और फिर मैं इसको स्क्रैम्बल करूंगी अच्छे से। तो इस तरीके से प्रॉपर आपने इसको बनाना है। ना मैंने थोड़ा सा अजीनोमोटो यूज़ कर लिया है इसमें, ज़्यादा नहीं डालिएगा, थोड़ा ही डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ना तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप अब ये जो आपका एग है ना, इसको आप इस तरीके से चॉप
प्रॉपरली क्रैम्बल कर लें, आंच को कम रखें और अंडे को क्रैम्बल कर लें। आई शुड नॉट हैव यूज्ड दिस वन, मैंने ये स्पून गलत यूज़ कर लिया, यहाँ पे लकड़ का चम्मच चाहिए रहेगा, ये नॉन स्टिक है ना, तो हम लोग यूज़ दिस वाला चम्मच, तो ये वाला चम्मच हम यूज़ करेंगे और इसको हम अच्छे से स्क्रैम्बल करेंगे और एंड में हम इसको राइस में डालेंगे। ये भी हम प्रॉपरली स्क्रैम्बल कर लेंगे अंडे को, खूबसूरत सा अंडा है हमारा ये, अच्छे से तोड़ लें। अगर आप इसमें थोड़ा थाई फ्लेवर देना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ रेड थाई करी फ्लेवर की सॉस आती है, यू कैन यूज़ दैट, बट मेरे हिसाब से वही ज़्यादा बेटर रहता है, जो आपके पास है आप वही इस्तेमाल करें। एंड मेरे पास जो चीज़ें थी मैंने वही यूज़ करी, मैंने स्पेशल कुछ नहीं करा इसमें। इस तरीके से आप अच्छे से स्क्रैम्बल कर लें अपने अंडे को, मेक श्योर कि प्रॉपरली कुक हो जाए। तो I'll continue to cook for more 5 minutes and then we'll add rice into it. तो ये अच्छे से हो गया है, क्योंकि अगर हल्का सा भी कच्चा फ्लेवर रहेगा ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए आई एम ट्राइंग टू हो गया ये। अब हम इसमें राइस ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मैंने राइस लिया है एंड आई एम गोना ऐड इन दिस। राइस हिसाब से आप ऐड कर लें, जितना कि आपका एग का मटेरियल है उस हिसाब से आप चावल यहाँ ऐड कर लें एंड देन जस्ट गिव इट अ मिक्स, प्रॉपर मिक्स देंगे हम इसको, इट लुक्स यम, इस तरीके से पैक कवर पूरा मसाला वसाला इसमें आप डाल लें। आप देखिए इसमें कोई भी फालतू मसाला नहीं डाला है, ना कोई खड़ा मसाला है, इट्स ईजी टू कुक, आई मीन कोई भी कुक कर सकते हैं, इट्स वेरी ईजी। और इससे क्या है ना आपको स्मेल भी नहीं आएगी एग की, बिकॉज वो अंडा जो है प्रॉपरली मैंने पहले ही कुक कर लिया था। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा राइस और मिक्स कर लूँगी, ये थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा सा चावल में डाल लेते हैं, और मैंने पहले ही बॉयल करके रखे थे चावल, तो राइस जो है ना उसको थोड़ा सा कच्चा छोड़िएगा, एकदम से ओवर कुक मत करना क्योंकि फिर वो ना मज़ा नहीं आएगा। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, हमारे एग फ्राइड राइस बनके तैयार हैं। आई एम गोइंग टू स्प्रिंकल सम धनिया ओवर इट, और अगर आपके पास स्प्रिंग अनियंस हैं तो आप वो यूज़ करें स्प्रिंग अनियंस। तो यहाँ पर मैंने धनिया लिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसमें एंड गिव इट अ नाइस मिक्स। सी कितना अच्छा बना, खिला खिला एकदम। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गिर गया मुझसे, ये देखिए बन गया ये, इट इज़ रेडी टू सर्व। भैया तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ट्राई कीजिएगा ज़रूर। बाय।